Hey, y'all, come look at this. So down, I'm gonna be stalking silence, prison silence, cake is taking over. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो अगर आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलते हो और भाई आपके मोबाइल के अंदर जायरोस्कोप अच्छे से काम नहीं करता या फिर आपका जायरोस्कोप अटक के चलता है या फिर आपके मोबाइल में जायरो डिले है या फिर है ही नहीं आपके मोबाइल में जायरो, तो भाई इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो जायरो होगा ना गाइस ऐसा चलने लगा है जैसे एप्पल के मोबाइल के चलता है भाई, कति स्पीड से जायरोस्कोप चलेगा। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। तो और मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल यार। सो गाइस आज फिर आपका भाई धमाल की वीडियो लेके आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी होने वाली है एंड गाइस ओपी के साथ काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी होने वाली। तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी जायरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है सारी फिक्स हो जाएगी। अगर आपके मोबाइल में भाई पबजी या फिर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलते वक्त आपका जायरो काम नहीं करता या फिर अटक कर चलता है, काफ़ी ज़्यादा डिले है आपके मोबाइल में, आपके पास लो एंड डिवाइस है भाई, लो एंड डिवाइस में भी ये जायरो डिले फिक्स हो जाएगी और भाई जिन हाई डिवाइस है उनके में भी अगर जायरो डिले प्रॉब्लम आ रही है भाई उनकी भी फिक्स हो जाएगी। तो भाई इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना क्योंकि भाई देखो जायरो का काम क्या होता है, हमारा रिकॉइल भी कंट्रोल करता है और भाई जो जायरो प्लेयर होते हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा भाई रिकॉइल कंट्रोल कर लेते हैं अपने जायरो की मदद से, ठीक है। तो और भाई जो ये ट्रिक बताने वाला हूँ सबके मोबाइल में काम करने वाली है। देख सकते हो मेरे पास 3GB रैम वाला मोबाइल है Realme 5 और भी समय कति खतरनाक जायरो चला रखा है मैंने, आप लोग भी चला सकते हो अपने किसी भी डिवाइस में, ठीक है। और भाई देखो जिसने भी अभी तक भी अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना भाई। काफ़ी बंदों ने भाई कम से कम 99% बंदों ने भाई अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो तो देखते हैं बट यार सब्सक्राइब नहीं करते यार, मेरी मदद हो जाएगी और भाई मुझे बहुत ज़्यादा यार हौसला मिलता है कि भाई मेरी फैमिली है जो भाई मेरा मतलब यूट्यूब फैमिली है मुझे सपोर्ट करती है। तो यार कर लेना सब्सक्राइब यार, वीडियो देखते ही हो आप मेरी सब्सक्राइब करके देख लेना, वो उसमें आपको कुछ नहीं जाएगा तो यार सब्सक्राइब कर देना। देखो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टिप्स के बारे में, आपको दो एप्लीकेशन में डाउनलोड करनी होगी जिनका नाम मैं अभी बताने वाला हूँ और कैसे यूज करनी है आपको सब बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले तो देखो ये दो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी होगी जिनका नाम है गाइस देखो, सबसे पहले मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, इसका नाम है वायरलेस IMU, ठीक है वायरलेस IMU, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। और भाई दूसरी एप्लीकेशन है गाइस इसका नाम है एसिलोमीटर, ठीक है जायरोस्कोप या फिर भाई एसिलोमीटर भाई कैलिब्रेशन बोल सकते हैं, जायरोस्कोप कैलिब्रेशन के नाम से भी ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये दोनों आपको डाउनलोड कर लेनी है, करने के बाद आपको भाई एसिलोमीटर कैलिब्रेशन आपको भाई ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर आपके मोबाइल में डिले होगा तो भाई ये रेड बिंदी है भाई अटक के चलेगी। तो भाई आपको फास्ट कैसे करनी है, आपको एक टेबल की मदद से या फिर आपको फ्रश की मदद से अपने घर के फ्रश की मदद से इसको सीधा रख देना है और सीधा रखने के बाद गाइस जब ये बिंदी ये रेड बिंदी है गाइस जब बीच में आ जाएगी तो भाई आपको क्लिक कर देना है। देख ध्यान नहीं हिलनी नहीं चाहिए, आपको कैलिब्रेशन कर देना है। इस पर कैलिब्रेशन पे करते ही गाइस आपकी जो भी जायरो डिले प्रॉब्लम होगी गाइस सारी प्रॉब्लम फिक्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग देख ही सकते हो भाई यहाँ पे प्लीज वेट का ऑप्शन आ गया और भाई जब देखो ये हिलना नहीं चाहिए, ठीक है आपको एक फ्रश पे या फिर टेबल की मदद पे ये बीच में रख देना है। जब ये बिंदी यहाँ पे आ जाएगी बीच में रेड आ जाएगी तो भाई आपको कैलिब्रेशन कर देना है। तो भाई कैलिब्रेशन करने के बाद यहाँ पे जायरो डिले मोड फिक्स हो रहा है, देख सकते हो जो भी आपके मोबाइल में जायरो की सेंसर की प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे डालने स्टार्ट कर दिए, प्रॉब्लम सॉल्व होने स्टार्ट किया है। तो भाई देख सकते हो आपके सामने एक ऐड आ जाएगी जब आपके कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे सक्सेस आ गया तो भाई आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद ध्यान नहीं आपको एक बार अपना मोबाइल रीस्टार्ट कर देना है, अपना मोबाइल एक बार रीस्टार्ट कर देना। मैं यहाँ पर रीस्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, पर आपको रीस्टार्ट करना है। उसके बाद गाइस आपको ये जो वायरलेस भाई IMU एप्लीकेशन है इसको आपको ओपन करना है। इसको आपको ओपन करने के बाद आपकी जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट होगी, आपको सेटिंग करनी है ये पूरे ध्यान से देखना। सबसे पहले जो यहाँ पे रन इन बैकग्राउंड ये यहाँ पे लिख रहा है तो उस पर आपको ब्लू टिक कर देना है, इस पर आपको ब्लू टिक कर देना है, यहाँ पे मैंने ब्लू टिक किया। उसके बाद गाइस आपको ऊपर जाना है अपडेट रेट, ठीक है यहाँ पे इसको अपडेट रेट पे जाना है और यहाँ पे आपको स्लो होगा आपका नॉर्मल होगा, आपको उसको फास्टेस्ट कर देना है, ठीक है फास्टेस्ट कर देना है, ऊपर टिक कर देना फास्टेस्ट पे, ठीक है। ये करने के बाद आपको ऊपर जाना है टारगेट
IP4, ठीक है। यहाँ पे आपका 555 होगा यानी कि 55 होगा, आपको उसको कट करके आपको 999 कर देना, 4x9 लिख देना है यहाँ पे 999, ठीक है, 4x लिखना है। ये लिखने के बाद आपको ऊपर जाना है और टारगेट IP एड्रेस इसको भी आपको थोड़ा चेंज करना है, आपको जो लास्ट में एक दिख रहा है इसको 1 को डिलीट करना है और आपको यहाँ पे 200 लिख देना है, यानी कि 200 लिख देना है, 200 लिख देना है। और ऊपर का जो आपका ऑफ का बटन आ होगा इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको वाईफाई ऑन करने का यहाँ पे ओके कर देना है, बस जो भी है आप लोग इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद ये आपकी जो एप्लीकेशन है भाई आपके बैकग्राउंड में रन करना स्टार्ट कर देगी और भाई आपका जायरो इससे इतना फास्ट हो जाएगा ना जैसे एप्पल का मोबाइल के चलता है ऐसा चलने लगेगा, ठीक है। सो इसको आपको रोकने के लिए आपको ये बैकग्राउंड में रन करनी है जब तक आप पबजी खेलते हो। सो गाइस आपको अपने इस एप्लीकेशन में मिनिमाइज करना है, देखो इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करने के बाद इसको लॉक कर देना है, ठीक है, इसको लॉक कर देना होगा भाई आप पबजी खेलते वक्त आपकी जो हटेगी नहीं एप्लीकेशन। सो गाइस मिनिमाइज करने के पास सबके पास सेलाइन लॉक का ऑप्शन आ जाता है, तो भाई आपको इस एप्लीकेशन को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद जब जितने भी आप पबजी खेलोगे फिर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलोगे ये आपके बैकग्राउंड से नहीं हटेगी, ठीक है, और भाई आपका जायरो बहुत ही फास्ट चलता रहेगा। सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई, देखो अच्छा फास्ट जायरो के लिए हमको फास्ट सेंसिविटी की जरूरत पड़ती है जो कि हमको जायरोस्कोप की सेंसिविटी सेट करनी पड़ेगी। अब आपको बता दूं आपको जायरो फास्ट करने के लिए आपको एक सेंसिविटी बताने वाला हूं, सेंसिविटी बस जायरो की बताऊंगा सिर्फ 2 सेकंड्स की, आप यहाँ पे लगे इसको देख सकते हो। तो अगर आपको सेंसिविटी पे जाना है और जायरोस्कोप पे आने के बाद थर्ड पर्सन नो स्कोप का आपको इसको पूरा 400 कर देना है, इसको आपको पूरा 400 कर देना है। और जो 1 पर्सन नो स्कोप है जायरोस्कोप का इसको भी आपको पूरा 400 कर देना है। TPP एम आप गाइज आपको 85 रहने देना है, आपको इसको नहीं छेड़ना। और जो FEP एम है गाइज इसको भी आपको पूरा 85 रहने देना है। रेड डॉट को भी आपको पूरा 400 कर देना होगा, ठीक है, आपको जायरो की सेंसिविटी बता रहा हूँ 400 कर देना होगा। और जो 2x की सेंसिविटी गाइज आपको 150 रख देना या फिर 190 कर लेना। और भी थ्रिक्स वाली सेंसिविटी भी आपको पूरी 400 ही रखनी है, ठीक है, थ्रिक्स वाली आपको 400 रखनी है। और जो 4x वाली है आपको 140 या 150 रख लेना, ठीक है। और जो 6 की सेंसिविटी गाइज आप लोग इसको 120 से रख लेना, ठीक है, आपको 120 या 150 150 के बीच रख लेना। और जो 8x वाली सेंसिविटी गाइज आप लोग इसको 120 या फिर 130 रख लेना, ठीक है, आप लोग मैं 135 रख रहा हूँ। तो गाइज आपको फास्ट जायरो के लिए ये वाली सेंसिविटी जायरो की सेट करनी होगी। देखिए ध्यान नहीं जायरो वाले के लिए है, ठीक है। तो गाइज आपको गेम खेलने से पहले वायरलेस IMU के नाम से जो एप्लीकेशन बताई है उसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद भाई लॉक कर देना है कि उसको मिनिमाइज करके लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपके बैकग्राउंड से नहीं हटेगी और भाई जो आपका भाई जायरो होगा ना भाई खतरनाक चलेगा। तो यार आप लोग रिकॉइल भी कंट्रोल कर सकते हो अपने जायरोस्कोप की मदद से। तो यार वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। एंड भाई जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय, लव यू ऑल, ठीक है, और बेल सब्सक्राइब भी कर देना।